हाँ प्यारे बच्चों, तो एवोल्यूशन में ये टॉपिक चल रहा है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें जो नया एविडेंस है वो आपको पढ़ना है आज की क्लास में। आज की क्लास में पढ़ना है ये वाला एविडेंस। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पे। आज आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ये टॉपिक पढ़ना है। ये आपको टॉपिक पढ़ना है आज की क्लास में। तो टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजी माने क्या होता है? जब किसी चीज की आप एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एक्सटर्नल फीचर मतलब जब आप मुझे बाहर से देख रहे हैं तो ये मॉर्फोलॉजी है। आप जानते ही हैं, आप इलेवेंथ में पढ़ के आए हैं। और अगर किसी के इंटरनल फीचर की स्टडी की जाती है तो उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है तो वो उसकी एनाटॉमी है, और जो हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो उसका मॉर्फोलॉजी है। हार्डवेयर उसकी मॉर्फोलॉजी है, सॉफ्टवेयर उसकी एनाटॉमी है। तो ये एविडेंसेस कैसे प्रूफ करते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ? अगर इसमें एविडेंसेस में देखा जाए मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में, तो इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक पढ़ना पड़ता है होमोलॉगी। होमोलॉगी जिसमें हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ना पड़ता है एनालॉगी। इस स्ट्रक्चर में हम लोग इसके केस में हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं। मतलब होमोलॉगी में होमोलॉगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं, एनालॉगी में एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं। तो इन दोनों में हम लोग पहले होमोलॉगस ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं और काम के आगे बढ़ाते हैं। ये आपको पढ़ना है आज की क्लास में, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स, ये टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो होमोलॉगस हैं, किन्हें होमोलॉगस कहेंगे, कैसे इवोल्यूशन को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको इस केस में देखते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स को बहुत सिंपली अगर लिखा जाए तो ये देखिए, एक लाइन में अगर लिखा जाए तो सीधे आप लिख सकते हैं सिमिलर इन अपियरेंस बट फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। बट फंक्शन इज नॉट नेसेसरी मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें तो ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन कॉमन है, जिनका प्लान कॉमन है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, क्या क्या कॉमन है फिर से, जिनके इंब्रियोनिक ओरिजिन कॉमन है। इंब्रियोनिक ओरिजिन का सेंस यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से है, जर्म लेयर से है। जिनके प्लान सेम है, जिनके ऑर्गेनाइजेशन सेम है, मतलब अपीयरेंस एक जैसा है, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने लिखा है फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। फंक्शन सिमिलर हो, फंक्शन डिसिमिलर हो, इसकी नेसेसिटी नहीं है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आपकी इस मेडिकल की टिकट वाली जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी ने जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी में जो पहला एग्जाम्पल है, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फोर लिंब ऑफ मैमल्स। मैमल्स के फोर लिंब जो है इसके पहले एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले आपको फोर लिंब आना चाहिए। फोर लिंब क्या होता है भाई? जो हमारे हाथ है उन्हें हम लोग फोर लिंब्स कहते हैं। तो मैमल्स की बात हो रहा है, मैमल्स आप अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर हम लोग अपने फोर लिंब्स की बात करें तो ये जो हमारा फोर लिंब है ये बना है किस किस बोन का? ये जो हमारी बोन है इस बोन को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। आप पढ़े होंगे इसको इलेवेंथ में स्केलेटल सिस्टम में। ये जो बोन है इसे ह्यूमरस कहते हैं। इस ह्यूमरस के बाद जो दूसरी बोन है उसे रेडियस अल्ना कहते हैं। रेडियस है और ये अल्ना है। ये कहां पे पड़ी है भाई? ये हड्डियां हैं, ये रेडियस अल्ना है, ये दो हड्डियां हैं। फिर अगली जो बोन है उसे हम लोग कार्पल्स कहते हैं। ये देखिए कार्पल्स कहते हैं। फिर ये मेटा कार्पल्स है, इसे हम लोग अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे हम लोग पाम बोन्स कहते हैं। ये हमें हथेली में हमारे पाई जाती है। और लास्ट में ये बोन्स है जिन्हें हम लोग फेलेंजेस कहते हैं। अब आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये बोन है जिसे ह्यूमरस कहते हैं,
ये वो है जिसे रेडियस अल्ना कहते हैं, ये है जिन्हें हम लोग कार्पस कहते हैं, ये पाम बोन्स है जिन्हें मेटाकार्पस कहते हैं, और अंगुलियों की जो बोन्स है फेलेंजेस कहते हैं। ये टोटल हड्डियां हैं, ये टोटल बोन्स हैं जो मैमल्स में फोर लिम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी आपने लिखा है होमोलॉगस ऑर्गन्स में कि अपीयरेंस सेम होना चाहिए, फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। तो आप एग्जांपल एक देखिए, जब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको आप देखें, तो जैसे आप सबसे पहले एक एनिमल देखें, ये देखिए सबसे पहले आप ह्यूमन को लिख लीजिए, एक एनिमल है ह्यूमन, ये पहला हो गया। दूसरा बैट लिख लीजिए, तीसरा चीता लिख लीजिए, एनसीईआरटी में चीता लिखा है हम भी चीता ही लिख देते हैं, चीता लिख लीजिए। कौन कौन से हो गए, ह्यूमन हो गया, बैट हो गया, चीता हो गया, एक एनिमल आप और यहां लिख लीजिए, इसी तरफ ले लेते हैं हॉर्स लिख लीजिए, घोड़े को। ये देखिए तो एनिमल आपके पास कौन कौन से है, ह्यूमन है, बैट है, चीता है, हॉर्स है। अगर आप इनके फोर लिम्स को देखें, फोर लिम्स मतलब इनके हाथों को अगर आप देखें कि इनके फोर लिम्स कौन कौन से हैं, इनके फोर लिम्स को यहां पर क्या कहा जाएगा, फोर लिम्स को अगर देखा जाए तो ह्यूमन के केस में, मनुष्य के केस में जो फोर लिम्स है वो ये हाथ है, वो इन्हीं हड्डियों को बना है, ह्यूमरस का, रेडियस का, अल्ना का, कार्पस का, मेटाकार्पस का, फेलेंजेस का। आपको पता है ह्यूमरस एक है, रेडियस अल्ना दो है, कार्पस आठ है, मेटाकार्पस पांच है, फेलेंजेस 2 3 3 मतलब 14 हड्डियां हैं। तो अगर आप देखें तो ह्यूमन के केस में इस फोर लिम्ब को हम लोग हैंड कहते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, हाथ कहते हैं। वेट के केस में इसे विंग्स कहते हैं, आप चाहे तो इसे पटेजियम लिख सकते हैं, मतलब जो चमगादड़ उसके पंखों को हम लोग विंग्स न कहके पटेजियम कहते हैं। चीता के केस में इसे हम लोग फूट कहते हैं, ये देखिए। और मुझे लगता है कि आप इसे हॉर्स हटा दीजिए, यहां पर अपने हिसाब से वेल लिख लीजिए, वेल भी तो मैमल है, वेल मैमल है भाई, अरस्तु ने बताया। तो वेल में अगर आपको लिखना है तो आप यहां पर वेल में इसे आप फ्लिपर लिख लीजिए। आप अगर एनसीईआरटी में देखें ध्यान से, फिर से एक बार आप इसको रिवाइज कर लें कि ह्यूमन के केस में, बैट के केस में, चीता और वेल, ये सब के सब मैमल्स हैं, सब के सब ये मैमल्स हैं, और इन मैमल्स का जो हाथ है, जो फोर लिंब है, वो फोर लिंब इन्हीं बोन्स से बना हुआ है, बोन्स के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप इनका देखें तो सबके हाथ, यहां पर मनुष्य में हाथ कह रहे हैं तो यहां विंग्स कह रहे हैं, यहां फूट कह रहे हैं, यहां फ्लिपर कह रहे हैं। तो ओरिजिन सबकी देख लीजिए, सबकी ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लान एक जैसा है, ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लान एक जैसा है, लेकिन इतना बड़ा लिख के ना मैंने सिंपल लिखा है, सिमिलर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस उनका सेम है, अपीयरेंस उनका सेम है, लेकिन फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। अगर आप इनके फंक्शन देखें कि किसका क्या काम है, तो अगर आप फंक्शन देखें तो हैंड का क्या काम है ह्यूमन के केस में, ये हाथ हैं जो होल्डिंग का काम करते हैं, होल्डिंग में पकड़ने का काम करते हैं। विंग्स में जो फ्लाइंग का काम करते हैं, मतलब चमगादड़ में उड़ने वाला काम करते हैं। आपने 11th में पढ़ा है कि बैट ही एकमात्र मैमल है जो उड़ने का काम करता है, जो उड़ता है, जिसमें विंग्स पाई जाती है। चीता में अगर बात किया जाए तो ये रनिंग का काम करते हैं, मतलब तेज दौड़ता है, फास्ट होता है, फुर्तीला होता है, तो रनिंग का काम करते हैं। और अगर वेल में बात किया जाए तो ये स्विमिंग का काम करते हैं। ये देखिए, तो एक बार फिर समझ लीजिए, मैं ये सिखा रहा हूं कि होमोलॉगस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिनकी ओरिजिन अपीयरेंस सेम है, फंक्शन जो है सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को रिचर्ड ओवेन ने दिया था, मैं यहां लिख देता हूं कि जो होमोलॉगस ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है इसे रिचर्ड ओवेन ने दिया था। मैं यहां कहीं आपको मेंशन कर देता हूं कि होमोलॉगस ऑर्गन का जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को रिचर्ड ओवेन ने दिया था। एक कोई साइंटिस्ट है रिचर्ड ओवेन, उन्होंने इस होमोलॉगस ऑर्गन वाले कॉन्सेप्ट को दिया था। हमने आपको क्या पढ़ाया, हम आपको होमोलॉगस ऑर्गन में पहला एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं फोर लिंब ऑफ मैमल्स में, कि ह्यूमन में, बैट में, चीता में, वेल में, सबके जो अगले पैर है या हाथ है, कहीं पर हाथ कह रहे हैं, कहीं पर पंख कह रहे हैं, कहीं पर पैर कह रहे हैं, कहीं पर फ्लिपर कह रहे हैं, सब में ये इसी का बना हुआ है, लेकिन सबके फंक्शन सिमिलर नहीं है।
हैंड क्या काम कर रहा है, होल्डिंग का, विंग्स क्या काम कर रहा है, फ्लाइंग का, फुट क्या काम कर रहा है, रनिंग का, फ्लिपर क्या काम कर रहा है, स्विमिंग का, लेकिन सबकी कॉमन बात है सबकी ओरिजिन इंचेस चीजों से बनी हुई है। सबके प्लान भी है जैसे जैसे आपको यहाँ पढ़ा होगा बैलेंस सेकंड ज्वाइंट है, यहाँ हिंज ज्वाइंट है, यहाँ पाइवोट ज्वाइंट है, ये वाला आप जो पढ़ते हैं यहाँ, मतलब जो भी ज्वाइंट सारी चीजें प्लान ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है। तो इससे आखिर इवोल्यूशन का क्या रिलेशन है? इवोल्यूशन का यह रिलेशन है कि जब सबकी ओरिजिन अपीयरेंस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है तो जाहिर सी बात है कि इन सबके जो एंसेस्टर हैं कहीं ना कहीं एक कोई कॉमन आदमी है और उस कॉमन आदमी का नाम क्या है? कार्डेट्स। मतलब ये ह्यूमन बैट चीता और व्हेल सबके कॉमन एंसेस्टर होंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी का, फोर लिंब ऑफ मैमल्स का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें होमोलॉगस ऑर्गन का, तो दूसरा होम इसका एग्जाम्पल है लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो आपको इनवर्टिब्रेट्स तो पता ही है कि हेमिकार्डेटा के पहले तक जो है इनवर्टिब्रेट्स है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, सबके सब इनवर्टिब्रेट्स है। तो लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात किया जाए तो पैर है, लेग माने पैर हुआ, हमारे पैर तो अलग अलग हड्डियों के बने, उनको जाने दीजिए। तो लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में अगर बात करें तो वहां लेग्स में कौन कौन से सेगमेंट है, पहले आप इसे एक देख लें। एक है कोक्सा, एक सेगमेंट है जिसे हम लोग क्रोकेंटर कहते हैं, एक है कोक्सा, एक है क्रोकेंटर, एक है फीमर, फीमर है, फिर क्या है, टिबिया है, फीमर है, टिबिया है, और ये देखिए टार्सस है। ये इतने काइटिन के सेगमेंट है पैरों में, मतलब आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स है या इनवर्टिब्रेट्स जो है उनके पैरों में ये काइटिन की प्लेट्स पाई जाती है, ये सेगमेंट है। हमारे यहाँ पैर में क्या है, ये फीमर है, पटेला है, टिबिया फिबुला है, टार्सल मेटा टार्सल फेरेंजियस है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोक्सा क्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस है जो पैर है। तो इनका क्या है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ने लगे? तो अगर आप लेग्स को देखें तो काकरोच जो होता है, काकरोच, काकरोच के जो पैर हैं और जो हनी बी के पैर हैं, काकरोच और हनी बी, अगर आपको पता होगा तो ये दो एनिमल्स, ये दोनों एनिमल्स किस फाइलम के हैं, आर्थ्रोपोडा के, और इन दोनों एनिमल्स के जो पैर है वो कोक्सा क्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस के बने हुए हैं। और इनके दोनों पैर का काम देखिए, इसका जो पैर है वो रनिंग का काम करता है, इसका जो पैर है वो कलेक्शन ऑफ नेक्टर का काम करता है, ये देखिए कलेक्शन ऑफ नेक्टर का काम करता है, ये कलेक्शन ऑफ नेक्टर का काम करता है और ये रनिंग का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो पैर हैं वो इन्हीं सेगमेंट के बने हैं, कोक्सा के, टोगेंटर के, फीमर के, टिबिया के, टार्सस के, और दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। मतलब ओरिजिन, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है लेकिन उनकी जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है। तीसरा देखिए एनसीईआरटी, क्योंकि अगर ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है तो मैं जरूर लिखूंगा, मैंने पहले यहां पर एनसीईआरटी लिख दिया। अगर एनसीईआरटी लिख दिया तो ये मेडिकल का टिकट है जिसे आपको याद करना है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है चाहे न पूछा जाए, लेकिन जो एनसीईआरटी को पूछा जाएगा, ये क्या पूछा जाएगा, काकरोच का, क्योंकि आपको पता है कि आपके मेडिकल के सिलेबस में काकरोच को पढ़ना है और काकरोच के ये पैर के सेगमेंट भी आपको याद हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू कहा था कि एवोल्यूशन का जो वेस होता है वो एनिमल किंगडम होता है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए, तीसरा एग्जाम्पल का फिगर भी एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड एंड ये देखिए टेंड्रिल ऑफ कुकुरविटा, टेंड्रिल ऑफ कुकुरविटा, ये देखिए कुकुरविटा माने आप जानते होंगे कद्दू का नाम है ये, तो कद्दू में टेंड्रिल, कुकुरविटा का टेंड्रिल और बोगेनविलिया का थॉर्न, इन दोनों की ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या है, दोनों जो है, दोनों जो है मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड है। आप ध्यान से देखेंगे
एनसीईआरटी ने इसका फिगर बनाया हुआ है, एनसीईआरटी ने इसका फिगर बनाया हुआ है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो आपको एटलीस्ट ये दोनों एग्जाम्पल, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो हर साल मतलब अगर एक साल बीत गया तो अगले साल आएगा, भूलेगा नहीं। बार बार एनसीईआरटी पूछती है, तो मैंने आपको होमोलॉगस आर्गन में तीन एग्जाम्पल्स बताए, फोर लिंब ऑफ मैमल्स, लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। अगले एग्जाम्पल्स देखिए। हाँ, तो मैंने आपको अभी तक दो एग्जाम्पल्स बताए होमोलॉगस आर्गन के। पहला एग्जाम्पल बताया आपके हाथों के बारे में, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल बताया लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल का नाम देखिए माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट है उनके माउथ पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, तभी आपको ये बात पता चलेगी। जब आप किसी इंसेक्ट को देखते हैं तो उसकी अपर लिप जो होती है, अपर लिप जो है मतलब जो उसके ऊपर के होंठ होते हैं, ये अपर लिप, आपने काकरोच पे बात पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो अपर लिप को हम लोग लेब्रम कहते हैं। ये देखिए अपर लिप को हम लोग लेब्रम कहते हैं। दूसरा देखिए, जो उसकी लोअर लिप होती है, किसी भी इंसेक्ट की जो लोअर लिप होती है मतलब जो उसके नीचे के होंठ होते हैं, उसे हम लोग लेबियम कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। अपर लिप को लेब्रम कहते हैं, लोअर लिप को लेबियम कहते हैं। अब आप अपना होंठ पकड़ के समझ करिए कि आपको भी लेब्रम है, नहीं आप इंसेक्ट नहीं है, आप मैमल है, ध्यान रखिए इसका। उसकी जो जीव है, जो उसकी जीव है उसे टंग ना कहके हम लोग हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, और आपने ऑलरेडी 11th में काकरोच में पढ़ा हुआ है इसको। फिर देखिए, अगर उसके साइड की बात की जाए तो उसको जो साइड है, साइड्स हैं जो उसके, मतलब ऐसे समझिए ये अपर लिप है लेब्रम, ये लोअर लिप है लेबियम, जीभ क्या है हाइपोफेरिंग्स, तो बगल से, जैसे आपने कभी बिच्छू को देखा हो तो बिच्छू में से बगल से आता है, जैसे जेसीबी मशीन होती है जैसे किसी चीज को काटता है वो, तो इसे चेलिस सेरेटा कहते हैं। तो ऐसे ही इंसेक्ट के माउथ में ऐसे दो जोड़ी होती हैं जैसे किसी चीज को पकड़ के खाता है। मतलब आपको महसूस करना पड़ेगा कि अगर मैं कीड़ा हो जाऊं, मुझे आप हनी भी माने अगर आप, तो ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ये अपर पैरिंग्स है, ये मैक्सिलर मैंडिबल है। तो अगर आप देखें तो साइड में वन पेयर मैक्सिली है, ये आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आपको सब्जेक्ट नहीं आता है, और वन पेयर मैंडिबल है। आपको एक्चुअली इसमें दो काम हो जाएगा अगर आप समझें, अगर आप इस खूबसूरत विषय को समझें। तो माउथ काकरोच का जब माउथ पार्ट पढ़ते हैं आप, तो उसमें टोटल पढ़ते हैं कि लेब्रम और लेबियम और हाइपरिंग्स अनपेयर्ड है, लेकिन मैक्सिलर मैंडिबल क्या है, पेयर्ड है। तो काकरोच का जो माउथ पार्ट है अगर आप टोटल देखें तो उसका अपर लिप लेब्रम है, लोअर लिप उसका लेबियम है, उसकी टंग हाइपोफेरिंग्स है, और उसके साइड में वन पेयर मैक्सिली और वन पेयर मैंडिबल है। इन चीजों से बना है काकरोच का माउथ पार्ट। तो अब आखिर मैंने एक माउथ पार्ट क्यों बनाया, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, माउथ पार्ट आपने यहां काकरोच नहीं लिखा, इंसेक्ट लिखा है। तो अगर आप इंसेक्ट में माउथ पार्ट देखें तो आप सबसे पहले यहां पर एक एनिमल लिखिए काकरोच, आपका दो काम बन जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, आपके 11th का रिवीजन हो जाएगा और 12th के इवोल्यूशन को आप सीख जाएंगे। तो काकरोच में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये लोग दो काम कर रहे हैं। एक तो चबाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, चीविंग, आप चिलगम चबाते हैं तो चीविंग करते हैं, चीविंग एंड बाइटिंग टाइम, मतलब काटते हैं और चबाते हैं। बाइटिंग माने क्या होता है, काट लेना। जब आप बचपन में, याद है आपको, किसी को आप ऐसे काट लेते थे। तो काकरोच में ये लोग लेब्रम लेबियम हाइपोफेरिंक्स मैक्सिलर मैंडिबल, ये लोग मिलके काकरोच में चीविंग और बाइटिंग का काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, चबा रहे हैं। किसे काट रहे हैं, किसे चबा रहे हैं, छोड़ दो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखिए, अगर हम लोग इसको हनीबी में देखें, मतलब मधुमक्खी के केस में देखें, तो ये देखिए, ये है चीविंग एंड लेबिंग टाइम, ये वहां पर ये काम कर रहे हैं, चीविंग का काम कर रहे हैं एंड लेबिंग का काम कर रहे हैं, चीविंग एंड लेबिंग टाइम।
ये देखिए ये काम कर रहे हैं कहां पे, किस केस में, हनी बी के केस में। कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिली, मैंडिबल, ये काम कर रहे हैं। अगर आप इसे मॉस्किटो के केस में देखें, मेल मॉस्किटो की फीमेल मॉस्किटो, आप ऐसे भी जानते हैं तो मेल तो बड़ा सीधा होता है, मेल के लिए क्या सब लगता है बेचारा, मेल कभी किसी काटता वाटता नहीं, आप तो जान ही रहे ना यार, काटता कौन है, मैं आगे नहीं बोलूंगा, अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो मॉस्किटो के केस में देखें तो यही माउथ पार्ट, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिली और मैंडिबल, ये काम पियर्सिंग एंड सकिंग का कर रहे हैं। पियर्सिंग मतलब क्या हुआ? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। मैं पहले पूरी बात लिख देता हूं, फिर मैं आपको देखूंगा, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये देखिए, इसके लिए डायलॉग है, एक बहादुर ऐसा भी गाना गा के मारे तीर। मॉस्किटो के बारे में कहा जाता है कि बहादुर ऐसा भी है गाना गा के तीर मारता है। एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ गाना तो उससे आवाज कोई आती नहीं है, और जब अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उससे आवाज आती है, मॉस्किटो कोई आवाज नहीं निकालता है। तो आपके सामने तीन एनिमल्स रखे हुए हैं, एक कॉकरोच है ये देखिए, दूसरा जो है हनीबी है ये देखिए, और तीसरा है मॉस्किटो। इन तीनों के जो माउथ पार्ट है इसके बने हैं, लेब्रम के, लेबियम के, हाइपोफेरिंक्स के, मैक्सिली के, मैंडिबल के। लेकिन काम देखिए, चीविंग एंड बाइटिंग टाइप, चीविंग एंड लैपिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। सबकी ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, अपीयरेंस सेम है, लेकिन उनके फंक्शन क्या है, सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। देखो यार साफ साफ दिख रहा है ना इसमें। तो ये आपके यहाँ अगला एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन का। आप इधर आइए बोर्ड के इस तरफ देखिए। अगर आप होमोलॉगस ऑर्गन के और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, पहली बात मैं बता दूं एनसीईआरटी नहीं है, तो आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो गया। सर प्लांट्स में आप देख लीजिए, अगर आप प्लांट्स में देख लीजिए, प्लांट्स में अगर आप देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटैटो एंड गिंगर। ये देखिए पोटैटो एंड जिंजर, ये देखिए ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। और एग्जाम्पल देख लिए, और देखिए ये देखिए रेडिस एंड कैरेट, रेडिस एंड क्या बेटा, कैरेट। तो रेडिस एंड कैरेट ये इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको भी देखिए ओरिजिन सेम है, फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। तो रेडिस एंड कैरेट, पोटेटो एंड किंगर, ये चीजें हैं। एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी इसके सिवा, एनसीईआरटी ने इसका एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है, आपको एक शब्द सीखना पड़ेगा, ये देखिए कौन कौन सा, कौन कौन सा, ये देखिए हार्ट, पहला हार्ट, फिर देखिए ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड क्या, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनी, ये भी होमोलॉगस ऑर्गन है। इनमें चाहे तो आप ब्रेन को भी ऐड कर लें, हार्ट यहां ब्लड वेसल्स कर लीजिए, यहां पर ब्रेन कर लीजिए एंड किडनी कर लीजिए। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। हार्ट सिंपल सा सोचिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, पहले बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए, मैंने होमोलॉगस ऑर्गन में मैंने नहीं लिखा है, इस मेडिकल के खूबसूरत टिकट में लिखा है, मैं छोटा सा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये बात एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। एनसीईआरटी की बातें हम लोग नहीं छोड़ने वाले, चाहे सब कुछ छूट जाए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी छूट गई तो जग सूना सूना लगेगा, जग कैसा लगेगा, नहीं कैसा लगेगा, सूना सूना लगेगा। तो जब सुबह सुबह लगेगा तो मामला गंभीर हो जाएगा, फिर जय भाई नहीं कर पाएंगे यार, फिर जय भाई नहीं होगा, मामला गंभीर हो जाएगा, पूछा जाएगा। ये सुनिए, दिल धड़कने दो, दिल बेचारा, दिल आवारा, दिल क्या क्या हो गया जाने दो, दिल तो दिल है, दिल का क्या करें साहब, दिल तो दिल ही है, जाने दो, दिल बेगाना है, दिल आवारा है, पागल है, लेकिन दिल मायो जीने की है, याद रखियो। फिलहाल दिल की बात करते हैं, हार्ट लिखा है आगे, दिल को अंग्रेजी में कहते हैं, वो जब शादियां होती है लिखा रहता है साजन चले ससुराल, तो दिल के बारे में बात करते हैं। मछली जल की रानी है, हार्ट कितने चैम्बर का, बोलो बोलो, दो चैम्बर का हार्ट है। फिशेस दो चैम्बर का हार्ट, वीनस हार्ट कहते हैं। एम्फीबियंस मेंढक
तीन चैंबर का हार्ट, रेप्टाइल्स थ्री हाफ चैंबर का हार्ट, दो आर्किल एक इनकम्प्लीट वेंटिकल, वेंटिकल जो है मतलब इंटर वेंटिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट है, क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट चार चैंबर का। ये जो हार्ट है दो चैंबर के, तीन चैंबर के, चार चैंबर के हार्ट है, ये हार्ट किसके बने हैं? मसल्स के। कौन सी मसल्स है? कार्डियक मसल्स है। कौन सी मसल्स है? कार्डियक मसल्स है। तो सब हार्ट जो है सब की ओरिजिन सब मसल्स के बने हुए हैं। और बेटा मसल्स किससे बनी है? मसल्स की ओरिजिन किस चर्म स्लेयर से है? आप 11th में याद रखिए लिखा है मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, साफ साफ लिखा है मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म क्या है? जर्म लेयर है। मतलब दो चैंबर का हार्ट, तीन चैंबर का हार्ट, चार चैंबर का हार्ट, सब की ओरिजिन मसल से है, लेकिन फंक्शन के सिंगल होने की नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो हार्ट हमारा जब हृदय बनता है, ये जो दिल बेचारा है, दिल आवारा है, दिल बेगाना है, दिल बेपनाह है, दिल बेकरार है, आजा, मतलब ये जो दिल है हमारा, जो दिल है जब माँ के यूट्रस में बनना शुरू होता है, आपने पढ़ा ही होगा में पहले महीने का तो बन जाता है, तो ये जो दिल है पहले दो चैंबर का बनता है, कहता है तुम्हारे एंसेस्टर फिश थे, फिर थ्री चैंबर का बनता है, कहता है तुम्हारे एंसेस्टर एम्फीबियंस थे, थ्री हार्ट का बनता है, कहता है रेप्टाइल्स थे, तब चार चैंबर का बनता है, कहता है तुम पूरी दुनिया के सबसे एडवांस एनिमल हो। मुस्कुराइए, आप बायो की नगरी में है। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी वेंस, कैपिलरीज हर जगह पाई जाती है भाई। आइए ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन की ओरिजिन न्यूरोएक्टोडर्म से होती है। ब्रेन कहां दिखता है? इंद्रिया से दिखाई पड़ता है। किडनी की आइए, पूरी एनिमल किंगडम में आप किडनी क्या क्या पड़ते हैं सुनो, आर्किनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। हमारी वाली कौन सी किडनी है? नहीं, हमारी वाली कौन सी किडनी है? मेटानेफ्रिक। आर्किनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ये चार तरह की किडनी है, और इन चारों किडनी की ओरिजिन मेसोडर्म से है। किस जर्म स्लेयर से? मेसोडर्म। और सबका काम क्या है? एक्सक्रीशन। क्या काम है? एक्सक्रीशन काम है। कितना आसान सा काम है। तो आप अगर देखें तो हमारी जो किडनी बनती है, ह्यूमन की जब किडनी बनती है जिसमें 12 मिडलरी पिरामिड पड़े हैं, तो वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है जिसमें लूप आप फैले हैं। लेकिन जब ये किडनी बनती है तो पहले प्रोटोनेफ्रिक बनती है, फिर ये मेसोनेफ्रिक बनती है, फिर ये मेटानेफ्रिक बनती है, और तब आपको बताती है, तब ये बताती है भैया आप जो है, जब प्रोटोनेफ्रिक बताती है तो आपके प्रिमिटिव होने के बारे में बताती है, मेसोनेफ्रिक बताती है तो कहती है कि आप एम्फीबियंस हैं, और जब आप रेप्टाइल्स मैमल्स की बात होती है तब आपकी किडनी मेटानेफ्रिक हो जाती है। डेवलपमेंट के दौरान आपको ऐसे स्टेजेस किडनी में दिखाई पड़ती हैं जो आपके एंसेस्ट्रल कंडीशंस को एक्सप्लेन करती हैं। आपको ये बात माननी चाहिए। एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो भी एग्जांपल हम लोग इसी में इंक्लूड कर लें ताकि ये पूरा हो जाए। अगर हम लोग एनसीईआरटी की एक बात और ले लें, बस छोटी सी बात है, आपको फोकस करना है, समझना है, जब तक समझ में ना आए तब तक समझना है। एनसीईआरटी ने एक शब्द लिखा है, आप देखिएगा, एनसीईआरटी ने लिखा है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। पहले आप यह समझिए मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, मैं इसको इसे घेर देता हूं क्योंकि आपको ये याद करना है। टर्म देखिए क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी लिखा है। पहले मैं टर्म लिख देता हूं कि ये देखिए, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ब्लड फटाफट लिखता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, एक लाइन में फटाक से मैंने लिखा, ऑफ मैन एंड एप आर, ये देखिए सिमिलर, फटाक से मैंने पूरी बात लिख दी। चलिए इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल टर्म है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। लिखा मैंने क्या है पहले देख लीजिए, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ मैन एंड एप आर सिमिलर। मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी मुझे वेल क्लियर है, कहीं भी कोई गलती नहीं करता हूं मैं, एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है, कभी कभी सबसे गलती हो जाती, कोई भगवान तो है नहीं। जब आप कहां से इलेवंथ में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर जो उसका ब्लड वाला चैप्टर है, तो उसमें आप ब्लड के प्लाज्मा में तीन प्रोटीन पढ़ते हैं, बोलिए कौन कौन सी? एक आप पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन, एक पढ़ते हैं ग्लोब्यूलिन, और एक पढ़ते हैं आप फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एक क्लॉटिंग में मदद करती है, फिर बची एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ये ह्यूमन के भी ब्लड में है, ये एप के भी ब्लड में है, और इनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, इनके फंक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन है और जो एप है, मैं अंडरलाइन कर दूं दोनों को, ये तो ऑलरेडी अंडरलाइन है, पढ़ा ही रहे हैं, ये जो मैन है और ये जो एप है,
इनमें इनके ब्लड में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉमन है। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स, नहीं कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इसका मतलब ये बात जरूर एक्सप्लेन करते हैं कि मैन और एप जो है इनकी ओरिजिन किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुई, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुई। हाँ, तो मैं आपको अब जो है, अभी तक मैंने आपको होमोलॉगस आर्गन पढ़ाया। होमोलॉगस आर्गन जो होते हैं वो मैंने भी बताया कि उनकी ओरिजिन अलग है, प्लान अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन उनके फंक्शन सिमिलर है। तो जितने होमोलॉगस आर्गन होते हैं वो ढेर सारे जीवों में पाए जाते हैं। जैसे अब आपको बताऊं कि होमोलॉगस आर्गन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्या करती है, होमोलॉगस आर्गन को एक्सप्लेन करने के बाद तुरंत एक दूसरी प्रक्रिया एक्सप्लेन करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। आप अगर एनसीईआरटी में देखें तो आपकी जो ये मेडिकल का टिकट है, मैंने क्या कहा ध्यान सुनिएगा, मेडिकल का टिकट है ये एनसीईआरटी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। इसे कभी कभी हम लोग इस एडाप्टिव रेडिएशन को एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है एडाप्टिव डाइवर्जेंस, ये इसका एक दूसरा नाम है। इसका एक तीसरा नाम है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका तीसरा नाम है जो आपको याद होगा, इसे हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये देखिए, तो अब आपके सामने तीन टर्म मिले हैं। पहला शब्द है एडाप्टिव रेडिएशन, दूसरा टर्म है एडाप्टिव डाइवर्जेंस और तीसरा टर्म है एडाप्टिव इवोल्यूशन, सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं एक बात लिख दूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है या इस कॉन्सेप्ट को जिस आदमी ने दिया उस कॉन्सेप्ट को दिया एक्सप्लेन्ड बाई, पहली बात आप ये जान लें कि इस व्यक्ति का नाम है एच एफ ऑसबॉर्न। ये एक इवोल्यूशन का साइंटिस्ट है, इवोल्यूशन के एक साइंटिस्ट है, इनका नाम एच एफ ऑसबॉर्न है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एडाप्टिव रेडिएशन। एक बात पहले मैं यहां लिख दूं कि पढ़ाया क्यों जा रहा है। एक अभी तो आपको होमोलॉगस का आर्गन पढ़ा रहे थे, फिर एक मैं आपको एडाप्टिव रेडिएशन क्यों पढ़ाया, तो मैं यहां एक बात पहले लिख दूं फिर हम लोग बात करते हैं। ये लिखा जाए कि होमोलॉगस आर्गन्स एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलॉगस आर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगी। आप होमोलॉगस आर्गन के कॉन्सेप्ट को पहले से याद रखिएगा, जिनके ओरिजिन अलग है, जिनके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, प्लान सब एक जैसे हैं, लेकिन फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है, उन्हें होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। और होमोलॉगस आर्गन एडाप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या है एडाप्टिव रेडिएशन, आप ये देखें, देखिए when organisms या species, organisms या species diverged, लिख सकते हैं आप यहां पे diverged after origin, थोड़ी सी यहां पर टर्मिनोलॉजी का मामला है, after origin from a common ancestor, from a common ancestor and many species are develops, many species are develops। तो ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा कि when organisms diverged after origin, ये आप अगर आप याद कर लें तो इतना में काम है, आपका काम हो जाएगा diverged after origin। फिर मैंने क्या लिखा, from a common ancestor, बस इतना याद करना है। कोई एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे कई जातियां निकल रही हैं और कई बच्चे बने। जैसे अब छोड़िए सब इसको, मैं आपको काम की बात बताता हूं। आप अपने माँ बाप के 3-4 संतानें होंगे, 2 भाई होंगे, 1 भाई 1 बहन होंगे, 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, आपको क्या लगता है कि सब एक जैसे होंगे? जैसे आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की 2 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, ऐसे ही बायो में किसी दो व्यक्ति का
इन्वायरमेंट कभी सेम नहीं हो सकता है। एक ही माँ बाप की दो संतान है, एक ही तरह के खाने, एक ही तरह के कपड़े पहना जाते हैं, लेकिन दो अलग अलग जातियां बनती है। एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, एक पंडित जी बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हजारों लोग बैठ के सुन रहे थे, और उनका वही भाई जो है लाल पानी रंगीन पानी पी के नाच रहा था, निमड़ा निमड़ा कर रहा था। पंडित जी से सब लोगों ने पूछा कि आप तो इतने बड़े विद्वान हैं और ये साहब जो है रंगीन पानी पी के नाच रहे हैं, क्या है? पंडित जी ने कहा ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। पंडित जी ने क्या कहा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, दो तोते थे, एक किसी दहिनिया के पास गया तो गाली देने लगा, एक राजा के पास गया तो बड़ी बड़ी बातें करता था, पंडित जी विद्वान के पास कौन सा इवोल्यूशन हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सगे भाई थे, एक गाली दे रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, मतलब यह हुआ दोनों की ओरिजिन एक जगह से हुई, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग हो गया, दो अलग अलग जातियां बन गई। कैसे जातियां बन गई? एक तोता है जो विद्वान हो गया, विद्वानों के बीच बैठ रहा है, एक गाली दे रहा है तो जो है दूसरा हो गया। राजा ने कहा इसको मार डालो, तो जो विद्वान होता नहीं मारा, सगा भाई इसको मारिए मत, एटलीस्ट इसकी जान छोड़ दीजिए। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब उनकी ओरिजिन एक एंसेस्टर से हुई है, उनकी ओरिजिन एक एंसेस्टर से हुई है, लेकिन वो आगे चल के नए हैबिटेट्स, नए वेज ऑफ लाइफ को डेवलप कर रहे हैं, नए हैबिटेट्स, नए वेज ऑफ लाइफ को डेवलप कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल क्या दिया है? मैं पहले इसका एग्जांपल्स को लिख देता हूं। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल्स को अगर आप देखें, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आप अभी पढ़े तो जरूर हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप भूलते भी बहुत हैं, मुझे ये भी पता, अगर नहीं बोलेंगे पागल हो जाएंगे। तो देखिए यहां लिखा क्या है, बोलते मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप ये समझना है कि एक एंसेस्टर से इतनी जातियां कैसे बनी। तो आप यहां पर देखिए मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मार्सुपियल्स किसे कहते हैं? कंगारू देखा है आपने? कंगारू को यहां पीछे पैर पे पाउच निकला रहता है, उसी पाउच को मार्सुपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियम। इस पाउच को जैसे ठंडी में आप जैकेट में डाले रहते हैं, यहाँ पर एक पाउच होता है, उसे मार्सुपियम कहते हैं। और उसी मार्सुपियम के अंदर टीट्स होती हैं। जब कंगारू का बेबी पैदा होता है तो उसी मार्सुपियम में रख लेता है। तो मार्सुपियम में उसका दो काम होता है, एक तो वो बहुत कमजोर होता है, असहाय होता है, चल फिर नहीं सकता, तो उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, कंगारू भागता है तो उसको लेकर भागता है, और दूसरा उसी मार्सुपियम के अंदर रह के वो दूध भी पीता रहता है मां का। अब मार्सुपियम का क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने लिखा है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां देखिए एनसीईआरटी का अगर आप फिगर देखेंगे 7.2 है, तो यहां पर देखिए लिखा है, यहां पर ऐसे बीच में लिखा है मार्सुपियल्स एंसेस्टर। अगर आपको बायो का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहली बात तो आप एंसेस्टर माने पूर्वज समझा करिए, पूर्वज मतलब जिनसे आपकी ओरिजिन हुई है। ये वो एक एंसेस्टर है जिससे जातियों का निर्माण हो रहा है। इससे सबसे पहली जो स्पीसीज बनी, जो सबसे पहली जात बनी जिसके आप जिससे आप फैमिलियर हैं, उसे आप कंगारू कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में कंगारू का फिगर बना हुआ है, लेकिन हम कंगारू का फिगर नहीं बना सकते, मैं आपको वही बात लिख के समझा रहे हैं। दूसरा अगर आप एनिमल से देखें जो इससे दूसरी जाति बनी, तो वो एग्जांपल है, आप यहां पर लिख लीजिए, वो है बूमबैट है, ऐसे लिखा है, एक एनिमल लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो बूमबैट लगा है, ये दूसरी स्पीसीज बनी। इससे जो तीसरी स्पीसीज बनी उसको कोआला कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ये कोआला है, ये देखिए लिख लीजिए कोआला बनी। अब ये सब जातियां हैं, इससे अगली जो जातियां बनी, अगली जो वादियां बनी, इससे यहां पर लिख लीजिए, यहां पे इससे जो अगली जाति बनी उसका नाम मार्सुपियल मोल है। देखिए ध्यान दें आप, एक तो वो गाना गाते हैं कि छछूंदर के सिर पे ना भाई चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगोत्री। तो जो छछूंदर है सबसे छोटा स्तनी है, वो छछूंदर ये है। तो जो आप अपने यहां मोल्स देते हैं, छछूंदर देखते हैं, वो मार्सुपियल मोल नहीं है, वो यूथिलियन मोल है। ये मोल जो है मार्सुपियल मोल है। और देखिए यहां पर एक है मार्सुपियल फॉक्स है, ऐसे लिख लीजिए, देखिए सबके नाम के आगे मार्सुपियल फॉक्स है, ये देखिए लोमड़ी है, ये मार्सुपियल जैसी दिख रही है। और एक नाम देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है फेलेंजियल ग्लाइडल है, फेलेंजियल ग्लाइडल है, ये भी एक जाति है। तो आप ये देखिए फेलेंजियल ग्लाइडल है। एक और आप देख लीजिए, ये देखिए एक उल्फियन कैट है, उल्फियन कैट।
ये देखिए ये सब क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, फेलेंजियल ग्लाइडल है, मार्सुपियल फॉक्स है, वुल्फियन कैट है, आप चाहे तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दें, ऐसे आप घुमा दें, आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसमें एंसेस्टर कहां पे है, एंसेस्टर ये है, मार्सुपियल एंसेस्टर है। और इससे कितनी जातियों के निर्माण हुआ, देखिए कंगारू का डेवलपमेंट हुआ, कुम्बर्ड का डेवलपमेंट हुआ, कुआला का हुआ, फेलेंजियल ग्लाइडल का हुआ, मार्सुपियल फॉक्स का हुआ, उल्फियन कैट का हुआ, मार्सुपियल मोल का हुआ। आपने कैसे कहा कि इन सबकी ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई, क्योंकि ये जितने आपको एनिमल्स, जितनी स्पीसीज आपको दिखाई दे रही है, इन सब स्पीसीज में होमोलॉगस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सबके बॉडी में एक तरह की ओरिजिन, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह के प्लान है, फंक्शन के सिमिलर होने की नेसेसिटी नहीं है। प्रॉफिट क्या हुआ मदर नेचर को, मदर नेचर को ये प्रॉफिट हुआ कि मदर नेचर को एक ही मार्सुपियल से, एक ही एंसेस्टर से ढेर सारी जातियों का निर्माण हुआ। तो आपने यहां पर लिखा है एडाप्टिव रेडिएशन, आखिर क्यों लिखा आपने एडाप्टिव रेडिएशन, जैसे सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज अलग अलग जगहों पे पहुंच के अलग अलग उनका बिहेव होता है, इस तरह से आप देखिए इसका वेज ऑफ लाइफ, बिहेव ऑफ लाइफ अलग है, इसका वेज ऑफ लाइफ, इसका वेज ऑफ लाइफ, सबके अलग अलग है। एग्जाम्पल क्या है, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, मेन एंसेस्टर से नई जातियां बन गई, मतलब मेन एंसेस्टर से जातियां डाइवर्ट हो गई, और जब डाइवर्ट होगी तो आपने कौन सा एवोल्यूशन कहा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा।